आप देखना शुरू कर चुके हैं रायबरेली एक्सप्रेस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत त्रिवेदी है, युवा समाज सेवी रायबरेली। कहाँ पे आए हुए हैं आज? हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। क्या दिखा? झांसी में सीपरी के लहर की देवी मंदिर के पास जो एक निरीह ब्राह्मण परिवार की हत्या की गई है, जिसे कि प्रशासन और पुलिस अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। इस मामले में ब्राह्मण मरे हैं और कोई भी हो, समाज का एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रसित होता है, उसका हत्या होती है, मर्डर होता है। आए दिन भाजपा की सरकार में, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इस तरह की घटनाएं जो है अत्यधिक प्रारंभिक हो गई हैं, और इस मकसद के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर एक विशेष समुदाय इसका दोषी है। क्या मांग करने के लिए आया हुआ? मांग हमारी ये है कि जो झांसी का ब्राह्मण परिवार जिसकी हत्या की गई है, इसके जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ एक जांच कमेटी गठित हो और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए आज मैं रायबरेली जिला अधिकारी महोदया के ऑफिस में आया हूं, इनको ये ज्ञापन दे करके इस मामले की जांच और निष्पक्षता को रखते हुए आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए। इनके माध्यम से किनको ज्ञापन देना चाह रहे हैं? इनके माध्यम से मैं झांसी जिला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहा हूँ। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बहुत जल्द ही हम सब समाज सेवी एक बहुत बड़े आंदोलन को आवाज़ देने वाले हैं।